हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप सो के आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में, और स्वागत है भैया 15 अगस्त की सुबह। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह का टाइम है, अभी अभी जागे, मच्छरदानी में सो गए भाई। मच्छर है एक दो कमरे में, एक भी मच्छर काट ले तो नींद उड़ जावे, इसलिए मच्छरदानी लगानी पड़े। वैसे तो पंखे चला के सोए दोनों, मच्छर आते नहीं आसपास। और साउंड ला रखा था मैंने रात भर, चार्जिंग पे लगाया, ठीक करवाया था ये। इसकी जो वॉल्यूम वाला है ना, जर्जर कर रहा था माइक की आवाज़ में भी और ब्लूटूथ की आवाज़ में भी, तो ये सही करवाया। बच्चों का प्रोग्राम है 15 अगस्त के स्कूल में, तो उसके लिए वैसे तो प्रेयर भी करवाना है कभी कभी साउंड से, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो अनिवार्य है, ज़्यादा साउंड की ज़रूरत हो गए, तो थोड़ी सी तैयारी तो ये कर रखी है हमने। और हमारे यहाँ ना ईस्ट यूपी में बारिश का मौसम चल रहा एक हफ्ते से। पहले सावन में तो बारिश हुई वेस्ट यूपी में, यानी हमारे घर की तरफ बहुत बारिश हुई, और दूसरे सावन में यहाँ ईस्ट यूपी में बहुत बारिश हो रही है। आज भी बादल जैसा मौसम है। 15 अगस्त है, बच्चों का प्रोग्राम है, देखो कैसे मनाया जाए। धूप निकले कई दिन हो गए वैसे तो, और बादल का ही मौसम रहे दिन भर। इस संडे को भी छुट्टी नहीं थी तो कपड़े नहीं धो पाए थे हम, तो संडे को भी कपड़े मैंने शाम को धोए थे, देखो छत पर डाल रखे। थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया था कि चलो गिल्ले तो आई, बारिश भी अगर आई तो गिल्ले ही तो होंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सके। लेकिन मुझे लग रहा कि कुछ तो नहीं, ज़्यादा नहीं सूखे भाई, ओस पड़ी बहुत ज़्यादा, कपड़े भी गिल्ले ही हैं। थोड़ा सा पानी नहीं चढ़ा बस ये कपड़ों में, तो जो नीचे गिरा, नहीं तो कपड़े तो अभी जो के तो गिल्ले ही हैं, कुछ नहीं सूखा इनमें। लेकिन आज मौसम कुछ लग रहा, देखो बादल फटे पट्टे से हैं, तो हो सकता है धूप निकल जाए, धूप निकलेगी तभी सूखेंगे कपड़े। ये शाम को इसलिए धोने पड़े थे, तीन जोड़ी कपड़े हैं, देखो एक शर्ट तो वह है, दूसरी है, तीसरी वह है, तीन शर्ट हैं। अगर ये कल शाम को ना धोता तो अभी एक दो दिन में और कपड़े इकट्ठा होते जाते, आने वाले अगले संडे तक तो एक गठरी कपड़े हो जाते, इसलिए मैंने इन्हें शाम को ही धोकर डाल दिया। धीरे धीरे भी सूखेंगे, छाँव में भी सूखेंगे, लेकिन इकट्ठा तो नहीं होने के बहुत सारे। फिलहाल चलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, पिछले साल 75 साल हो गए थे आज़ादी के, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी भी मनाया जा रहा है। और मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे पूरे सप्ताह से हमने बच्चों के साथ प्रोग्राम किए हैं। आज 15 अगस्त को तो कुछ खास ही प्रोग्राम रहेगा बच्चों के साथ, तो चलिए अभी तैयार हो लेते हैं स्कूल के लिए, और तैयार होकर निकलेंगे बच्चों के साथ 15 अगस्त मनाना है। तैयार होकर स्कूल में चलेंगे, तो कल की तैयारी भी पुख्ता करनी, कुछ बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत बताना कल क्या होगा भाई 15 अगस्त में। फिलहाल रेडी होकर चलिए चलते हैं स्कूल के लिए। सोमवार का दिन है और छठा सोमवार है सावन का। इस बार ना सावन के दो महीने हैं, तो दूसरा चल रहा है ये, और एक महीने में चार सोमवार आते हैं, एक शिवरात्रि पहले महीने में आई थी, दूसरे महीने का आज दूसरा सोमवार, और कुल मिला के छठा सोमवार है ये। व्रत रखा है आज भी मैंने, और मंदिर हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ता है, मंदिर के पास आ गए। और भैया जूता चप्पल उतार के नल भी लगाया है, हाथ धो लेंगे यहीं पे, और जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ के, भोलेनाथ के शिवलिंग पे, तब आगे बढ़ा जाएगा भैया। और अपना रख दिया बाइक यहाँ खड़ी कर दी, हेलमेट चश्मा वगैरह बेल्ट सब उतार दिए, और साउंड स्कूल का बनवा के लाए थे, साउंड लेके जा रहे हैं आज स्कूल में। जूता चप्पल उतार दिए भैया, यहाँ पर नल लगा है, नल पर हाथ पैर धो लेंगे, सुविधाएँ यहाँ सारी मिलती है। यहाँ लोटा भी मिल जाता है, जल भी मिल जाता है, माता जी हैं पूजा करती हैं यहाँ पे, और एक अंकल जी हैं। और बढ़िया है, हाँ। फ्रेंड्स जल चढ़ा लिया हम लोगों ने, और चलिए चलते हैं अपने स्कूल की तरफ अपना सामान लेकर। तिरंगा रैली निकाली जा रही है आज, बच्चों को लेकर गांव में घूम रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।
राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल लोग में। तो देखिए शाम के ना 5:30 बज चुके हैं और उधरना दीदी ने चूल्हा जला दिया है क्योंकि आज मेरा और दीदी का और माँ का है व्रत। तो दीदी ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैंने चाय के बर्तन मांग दिए हैं, चाय दे दी है सबको बना के। तो तब तक मैं इन कपड़ों की तह बना लूँगी। दो पैर जो है धो के उतार के रख दिए थे। तो जी तब तक जब तक खाना बनेगा तब तक मैं ये बाकी के छोटे छोटे से काम निपटा लेती हूँ, फिर खाना सर्व करूँगी सबको और उसके बाद इन कपड़ों की तय बनाने के बाद करूंगी पूजा। तो जी चलिए लग जाते हैं अपने काम में। बच्चों रास्ता वही है अपना, जाना पहचाना, रोज का आना जाना इसी रास्ते पे। और रास्ते पे मन भी लगे क्योंकि हरियाली बहुत ज्यादा है इस रास्ते पे। और कई दिन की लगातार बारिश के बाद भी मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो गया, उतनी गर्मी नहीं रह गई। और सुबह सुबह का मौसम तो ऐसा लगता है जैसे अक्टूबर के महीने में सुबह सुबह जो कोहराव है ना, और सर्दी की यानी जाड़े की शुरुआत वाला जो मौसम है, ऐसा मौसम लग रहा है सुबह सुबह। और तैयार करना, खुआना पियाना, हम करो जाएंगे नाश्ता कर लो, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना। चलो जी लाइफ है या अभी फिलहाल बहुत इंजॉयफुल लाइफ होती है, हम भी मिस करते हैं जीवन को अपने। तो जी जीने दीजिए बच्चों का, बच्चों के साथ हमें भी यही काम पाते हैं। तो चलिए पहले तो समवा देती हूँ बेड पे से इनका सामान, बैग में लगा देती हूँ सारा और फिर करूँगी कपड़ों की तह और उसके बाद करेंगे पूजा। तो जी रात के ना 8:30 बज चुके हैं और बच्चे ना सब ने खाना वाना खा लिया, घर के सभी सदस्यों ने खाना खा लिया और सब अब अपनी खाट पर चले गए हैं आराम करने के लिए। इधर नंदिनी भी ना सो गई है, जल्दी सो गई क्योंकि आज ना ये दिन में नहीं सोई थी। और जिस दिन दिन में नहीं सोती ना, या तो ये दिन छिपे सो जाती है या फिर जल्दी सो जाती है सामने। लेकिन वैसे जल्दी सोना ठीक है क्योंकि सुबह तक इसकी नींद पूरी हो जाएगी, वरना ना ये परेशान करने लगी है। अब इसकी नींद नहीं पूरी होती, दिन में सोती नहीं, स्कूल में तब जा तो फिर ये सुबह सुबह आलस करती है। तो जी बाकी के घर के सारे काम निपट चुके हैं, माँ ने दूध भी सबको दे दिया है, बच्चों को पिला दिया है और सब आराम करने लग रहे हैं। जो मतलब सभी अपने काम में लग गए, जिसे अपना काम करना वो काम कर रहा, लेकिन जिसे आराम करना वो आराम कर रहा। बच्चे भी छत पर जा लिए आराम करने के लिए, हम भी अपने काम में लग जाते हैं, थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सभी ने जो मुझे मेरे जन्मदिन के लिए इतनी शुभकामनाएं दी, तो उसके लिए आप सबका बहुत 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 सारा धन्यवाद, तहे दिल से बहुत धन्यवाद। तो जी आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। तो जी आप सबके साथ और सहयोग से हम भी आगे बढ़ते रहेंगे और आप सबका प्यार हमें मिलता रहेगा। तो जी चलिए थोड़ा सा मैं आपके साथ भी कुछ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं शेयर करती हूँ कि मुझे आप मेरे बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट मिले। चलिए आपको भी मैं दिखा देती हूँ क्या क्या गिफ्ट मिले मुझे मेरे बर्थडे पे। मुझे मेरे बर्थडे पे तीन सदस्यों ने गिफ्ट दिया है, चिंकी ने, अमित ने और बबली दीदी ने। तो जी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर गिफ्ट है, सब सारे एक से बढ़कर एक है। देखिए जी गिफ्ट ना दिल से दिया जाता है, तो जी उसका ना बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में। सभी का धन्यवाद। चलिए आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ मुझे कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं। ये है जो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिले हैं। तो जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन गिफ्ट से ज़्यादा जो है प्यार और आशीर्वाद, इनकी अहमियत होती है। तो आप सबका और घर परिवार का आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बना रहे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ऐसे ही प्यार करते रहे और मेरे साथ मेरे रिश्ते ऐसे ही अच्छी तरीके से बने रहे, बस जी मैं तो यही चाहती हूँ। आप सबका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो जी सबसे पहले ना मैं चिंकी का गिफ्ट दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत चिंकी ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये देखिए बहुत प्यारा सा है। और ये देखिए इसमें ना लाइट भी जलती है, ये देखिए कितना प्यारा है। जब इसमें लाइट जलती है ना तो ये बहुत सुंदर लगता है, अंधेरे में ना बहुत अच्छा लगेगा। इस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे। तो जी थैंक यू बेटा, बहुत 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 थैंक यू। और दूसरा जो गिफ्ट है मेरा वो दिया है मुझे अमित ने क्या दिया है। तो जी बच्चों ने वैसे ओपनिंग तो कल ही कर दी थी गिफ्ट की, आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जी ये देखिए दूसरे कान्हा जी, कितने सुंदर कान्हा जी है, देखो कितने प्यारे लग रहे। तो जी अमित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा गिफ्ट है मेरा जो मुझे बबली दीदी ने दिया है, इनकी पूजा ना जन्माष्टमी को करूँगी मैं। वैसे तो हमारे कान्हा जी है लेकिन फिर भी इनकी भी इन्हें भी मैं पूजा घर में उसी दिन रखूँगी जिस दिन जन्माष्टमी होगी, तब तक के लिए मैं इसमें पैक करके रख दूँगी। और जी तीसरा गिफ्ट है मेरा ये है, बहुत प्यारी सी साड़ी, ये देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है, कलर है ग्रीन और रेड, ये देखिए बहुत प्यारी लग रही साड़ी। और
इसे मैं तैयार करूँगी करवा चौथ वाले दिन। तो जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो मैंने कल भी धन्यवाद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करूँगी।